मातेश्वरी को याद करेंगे। बोलिए जगदम्बे भवानी की जय। 400 सीटों के लगभग चुनाव हो गया। कर्णी सेना कहाँ है? कर्णी सेना अपने समाज के साथ है, चाहे वो जिस दल से खड़े हों। और सौभाग्य से इस बार चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे गठबंधन हो, चाहे जनता दल, चाहे गुप्ता दल, हर उस पार्टी से राजपूत समाज के लगभग 168 सीटों पर प्रत्याशी चुनाव में हैं। हम हर उस व्यक्ति के जो समाज का है, हम हर उस व्यक्ति के साथ में हैं। राजस्थान और राजस्थान के अलावा पूरे देश की बात करें तो अब जो स्थिति निकल के आ रही है, वो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एनडीए की सीधी सीधी मेजोरिटी नहीं बन पा रही है। अभी गली मोदी जी से संबंधित कुछ मीडिया वाले लोगों ने अपना सर्वे दिया कि शायद 220 या 230 पर अगर एनडीए अटक जाती है तो कौन, और प्रमुखता से नाम उभरा राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जी का। मैं सीधा सीधा पक्षकार हूं कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो सेना। रही बात राजस्थान की, प्रदेश की, आधे चुनाव पूरे हो गए। आधे चुनाव में किसको कितनी आ रही है मुझे इसका पता नहीं है, पर हम अब व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोगों का समर्थन कर रहे हैं और किन्हीं लोगों के खिलाफ में रहना चाह रहे हैं। जयपुर शहर, जयपुर रूरल, हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ हैं। तो हम अलवर में कांग्रेस के साथ भी हैं, हम कर्नल माधवेंद्र के साथ भी हैं, तो कर्नल राज्यवर्धन के साथ भी हैं, हम जयपुर राजघराने के साथ हैं, तो अलवर घराने के साथ भी हैं, हम कांग्रेस के गोपाल सिंह जी के साथ भी थे तो गजेंद्र सिंह से भी हमें कोई तकलीफ नहीं थी। रही बाकी की सीट, अब कर्णी सेना राजस्थान में प्रदेश की उन बाकी बची 12 सीटों पर अपनी ताकत महसूस कराने का प्रयास कर रही है, करेगी। आज जैसा मैंने जो 3 चुनाव बचे हुए हैं उसमें स्थिति स्पष्ट कर दी, जयपुर शहर, जयपुर रूरल हम बीजेपी के साथ और अलवर हम कांग्रेस के साथ। एट्रोसिटीज एक्ट पर जिन लोगों ने जातीय वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की, वो बीकानेर और धौलपुर के सांसदों के हम खिलाफ रहेंगे, क्योंकि उसी आंदोलन के तहत ये जो तथाकथित अनारक्षित वर्ग है उसके आरक्षण की व्यवस्था बनी है। मोदी जी ने दी, मैं नहीं मानता, समाज ने ली, मैं ये ऐसा मानता हूं। कर्णी सेना ने वोट की चोट देकर ये तथाकथित सवर्णों के आरक्षण के 10% की एक जो रुकावट थी आर्थिक शब्द, उस पर यह आरक्षण की व्यवस्था बन गई और मैं चाहता हूं पूरे देश में यह आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था बन जाए। बाकी की सीटें, चाहे वो सीकर, झुंझुनू, चूरू हो, हम चाह रहे हैं जो आरएलपी और आरएलपी से संबंधित या उसके समर्थित जो उम्मीदवार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से खड़े हैं, उन सबको हराया जाए। और जहां तक नागौर का मामला है, जो खुद मेरा जिला है, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्याम प्रताप सिंह का जिला है, अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह का जिला है, उस जिले के बारे में चर्चा ऐसी है कि टायर को इस बार पंचर करेंगे, टायर को फोड़ेंगे, टायर को जलाएंगे। 4 तारीख को हर बार मातेश्वरी के आशीर्वाद से हम अंतिम दिन कालवी में एक पंचायत बुलाते हैं, जो अंतिम दिन इस बार है 4 तारीख। कालवी में बैठकर उस बारे में भी गहन मंथन करके अभी अगले 3 दिन तक वहां पर अपने आदमी दौड़ रहे हैं। और बीजेपी वाला बीजेपी की बात कर रहा है, कांग्रेस वाला कांग्रेस की बात कर रहा है, और राजपूत समाज कुछ और देख रहा है, शायद कालवी और कर्णी सेना को देख रहा है। 4 तारीख को हम बैठकर कालवी में तय कर लेंगे। जो मानस है, अभी जो इतने दिन तक हम किसी के साथ नहीं दौड़ रहे थे राजपूत के अलावा, अब जो मानस है वो ऐसा लगता है कि जैसे टायर को जलाएंगे बैठकर तय कर लेंगे। 4 तारीख को कालवी पंचायत में हम नागौर के लिए तय करेंगे। कल के दिन और भी जो राजपूत समाज के व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में भागीदारी करने के लिए, मैं कल उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ,
और फिर अगले एक दो दिन के अंदर वापस राजस्थान में आकर राजस्थान के बारे में जिसको भी जहां जरूरत हो उस हिसाब से हम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कालू साहब, नागौर में किसका साथ देने को रहा? देखिए, 4 तारीख को बैठ के तय करेंगे। मैंने बताया ना, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्याम प्रताप सिंह, हमारे अध्यक्ष वर्तमान में वो वहां पर मौजूद है, आज ही पहुंचे हैं सभी लोग, और लगता है जैसे टायर को पंचर करेंगे, टायर को जलाएंगे, टायर को फोड़ेंगे। तो और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से नागौर में एक विपरीत स्थिति, अभी राजेंद्र सिंह जी राठौड़ वहां गए थे, एक नहीं गए नहीं थे एक पैनल चैनल डिस्कशन पे न्यूज 18 के कार्यक्रम में हम मौजूद थे, और उनका 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की, मंगा ये संभव नहीं है, 24 आ सकती है, पर एक तो कहीं और जाएगी, और एक जहां कहीं और जाएगी वो भारतीय जनता पार्टी है कि नहीं है, वो फिर उसी चैनल पर एक डिस्कशन पर कल शाम को बहुत चिंता व्यक्त कर रही है, करी जा रही थी कि वो किसके साथ जाएंगे, ये किसी के हाथ में भी नहीं है। वो नागौर की सीट के जो MP अगर टायर वाले जीत गए तो वो किसके साथ जाएंगे, इसका अभी तक कोई पता ही नहीं है। पर समाज अभी भूला नहीं है सामराव को, और सामराव को भूल गया हो, थोड़ा लेट हो, तो कालवी साहब को दी गई गालियां तो अभी तक बिल्कुल नहीं भूला है, जीवन राम के बारे में, और अभी सीकर में तो डोली लूट के ले गए, इसलिए लाइन कभी ऐसा मैंने ABP आज तक और न्यूज 18 के सर्वे में देखा है। मैं मेरी तरफ से बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने न तो कोई सर्वे करता हूँ, न मेरे पास ऐसी कोई एजेंसी है। मैंने उन चैनलों के माध्यम से जो थोड़ा बहुत मोदी जी की तरफ उनके सर्वे दिखा रहे हैं, अब के सर्वे में अब क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आ रही है। तो एज ए राजपूत कर्णी सेना के संस्थापक के तौर पे मैं तो चाहूंगा कि राजपूत प्रधानमंत्री बने। तो कौन हो राजपूत? बोलते हैं नहीं हो जाऊंगा। क्या राजनाथ सिंह जी लग रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं कितना क्या बुरा हूँ, मैं इतना बुरा हूँ क्या? और इसके लिए हमारी स्पष्ट राय है, कल मैं हूँ लखनऊ में, कल मैं 4 सीटों पर प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ, चारों जरूरी नहीं है कि BJP की हो, इसलिए हम राजपूत के साथ थे, हैं और रहेंगे, और राजपूत हितों के लिए जो कुछ भी निर्णय लेना पड़ सकता है वो हम लेंगे। एक बार फिर मजबूती से कर्णी माता को याद करेंगे, श्री राजपूत कर्णी सेना की चर्चा अब से अगले 150 सीटों पर फेसबुक लाइव के माध्यम से हो, इसी चीज को लेकर कि ये एक भी माध्यम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती क्योंकि प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, कल इसलिए नहीं हो पाई कि राहुल जी आए हुए थे, स्वागत है, और सौभाग्य से मुझे कांग्रेस और BJP दोनों का उतना ही आशीर्वाद प्राप्त है, राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े नेताओं का। और जब ये चर्चा अखबार के माध्यम से चली, जैसे आज ही अभी टाइम्स नाउ वाले यहाँ पर मौजूद थे कि कर्णी सेना का क्या स्टैंड है, अब 400 सीटें पूरी होने के बाद अगली 150 सीटों के लिए हम हमारा स्टैंड लेने वाले हैं अखबारों के माध्यम से, जो शायद कल या परसों में मैं मीडिया से मुखातिब होऊंगा, क्योंकि आज तो संभव नहीं हो पाया, कल लखनऊ वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हम हमारा स्टैंड क्लियर करेंगे, और ये चीज को कि हम राजपूत के साथ हैं, और अगली 150 सीटों में राजपूतों के अलावा भी किसी का साथ देना है नहीं देना है, इसके लिए आज फेसबुक के माध्यम से राजस्थान के बारे में चर्चा करने के लिए एक माध्यम जो नया है, कम से कम मेरे लिए तो, पर तो भी ये आजकल बहुत जरूरी है और मजबूरी भी, पर इस पर जिस तरह से अनगल आरोप प्रत्यारोप लगते हैं उससे दुखी भी रहता हूँ, और इसलिए सोशल मीडिया को कभी कभी अनसोशल भी समझने का कभी दिमाग में आता है कि ये अनसोशल भी उतना ही है, जिसको कुछ नहीं करना है वो सोशल मीडिया पर ही दहाड़ता रहता है। मेरे पर प्रेस वालों की बड़ी विशेष कृपा है, और इस चीज़ को लेकर जब हम आगे चर्चा करेंगे तो मैं चाहूँगा इनकी उपस्थिति पूरी मजबूती से हो, इसके लिए सभी राजपूत कर्णी सेना के आदमी महिपाल सिंह, हमारे प्रवक्ता भाई विजेंद्र सिंह और जितने भी अपने ऑफिशियल नेटवर्क हैं उन सब से टच में रहें, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है फेसबुक और व्हाट्सएप पर बहुत उल्टी सीधी, मैं मीडिया के माध्यम से और गाड़ियों के माध्यम से आप लोगों के बीच में मुखातिब होऊंगा, हर उस सीट पर जो ये 12 सीटें बची हैं, हम चाहेंगे हमारी स्थिति या हमारी उपस्थिति उस मजबूती से के हो कि जो हम चाहें वही राजस्थान
कि जनता की आवाज बन जाए, और जनता की आवाज जो हो वही करनी सेना कह सके, इसके लिए आज आपसे मुखातिब हूँ। सबसे जो लोग भी आज जुड़ चुके हैं, बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और समझाने का कोशिश करें कि राजपूत करनी सेना को अब जो लाइन काफी कुछ तो हमने ले ली है, आगे क्या करना है। एट्रोसिटीज वाले मामले में हम दो लोगों के खिलाफ हैं, हम दो राजपूतों के साथ हैं, एक कांग्रेस के, एक बीजेपी के, जयपुर शहर में हम बीजेपी के साथ हैं, और जो आरएलपी के साथ होना चाह रहे हैं या उनके भरोसे से जो जीतना चाह रहे हैं उनके खिलाफ भी हैं। रही नागौर की बात, कालवी में पंचायत है 4 तारीख को, एक बार पूरी मजबूती के साथ में बोलिए कर्णी माता की जय।